Hello student, how are you? In previous lecture we are start our third chapter interior of earth. Earth के बारे में हम जानने के लिए हमने third chapter start कर रखा था, जिसमें हम earth के बारे में जान सकते हैं. इसके two source बताए थे हमने, एक तो direct source, एक indirect source. हमारा chapter है interior of earth. अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए टू सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स और सेकंड है इनडायरेक्ट सोर्स. डायरेक्ट सोर्स में हमने क्या क्या बताया था? माइनिंग से. सेकंड था इसमें डीप सी थ्रिलिंग. और थर्ड था वोल्केनिक इरप्शन. माइनिंग में हमने क्या बताया था कि साउथ अफ्रीका की जो कोल माइन, गोल्ड माइन है, वो 3 से 4 किलोमीटर डीप है. इसके कारण वहां की अर्थ की आंतरिक जानकारी हमें मिलती है. डीप सी थ्रिलिंग में कई प्रकार के प्रोजेक्ट हैं जो ओशियन के डीप में बनाए जाते हैं. उनसे हमें अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में जानकारी मिलती है. कोला नाम का एक प्लेस है जो आर्कटिक ओशियन में है. इससे हमें अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में जानकारी मिलती है और इसकी डेप्थ 12 से 13 किलोमीटर है. वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो लावा निकलता है, बेसिक लावा, उससे हमें अर्थ के आंतरिक स्थिति के बारे में पता चलता है और उसमें किस चीज की अधिकता है, अर्थ का आंतरिक पार्ट कैसा होगा, वो सभी हमें वोल्केनिक इरप्शन के कारण पता चलता है. अब बात करते हैं हम डायरेक्ट सोर्स की. डायरेक्ट सोर्स कौन सी? इनडायरेक्ट सोर्स की. डायरेक्ट सोर्स के बारे में हमें पढ़ लिया है. इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम अर्थ की डेप्थ में जाते जाएंगे, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी तीनों इंक्रीज होती जाएगी. प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी के अनुसार हम इसकी लेयर का पता लगाते हैं. सेकंड था इसका मिट्योर्स, जिसको हम उल्कापिंड बोलते हैं. उल्कापिंड ऊपर से आकाशगंगा से हमारे अर्थ पे गिरता है और जैसे इसकी संरचना होती है वैसे ही हमारी अर्थ की संरचना है. इंटीरियर पार्ट में वैसे ही चट्टानों से हमारी अर्थ बनी हुई है. मिट्रोस एक अर्थ का इंटीरियर पार्ट तो नहीं है, लेकिन इसके रॉक्स मिलने के कारण हमें अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में मिट्रोस से भी जानकारी मिलती है. थर्ड हमारा पॉइंट आ गया जिसमें इनडायरेक्ट सोर्स का, एक तो है ग्रेविटेशनल सेकेंड है इसी में मैग्नेटिक फील्ड और इसमें लास्ट है सिस्मिक वेव. ग्रेविटेशनल क्या होता है? जो अर्थ है वो हमें अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होता है? ये पोलर पे ज्यादा मिलता है बजाय इक्वेटर लाइन के. इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है. और ग्रेविटेशनल फोर्स किस कारण होता है? अगर किसी भी मटेरियल में डेंसिटी अधिक है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा. तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में कि अगर यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो इसके ऊपरी हिस्से में अर्थ के डेंसिटी ज्यादा होगी और इसके रॉक्स और अलग प्रकार की होंगी, जिस कारण हमें इसकी जानकारी मिलती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कि जो
मैग्नेट का एरिया होता है अर्थ के ऊपरी क्रस्ट पे, उसमें कौन कौन से मैग्नेट के कण हैं, इसका भी हम मैग्नेटिक फील्ड से पता लगा सकते हैं। और सेस्मिक वेव अर्थक्वेक के कारण आती है, और ये विभिन्न अलग अलग प्रकार के रॉक्स में, चट्टानों में, तल में, सतल में पास करती है, जिस कारण इनकी गति से हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। अब हम इससे आगे की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक से जो सेस्मिक वेव जनरेट होती है, इससे हमें अर्थ के इंटीरियर पार्ट के कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है। और अर्थक्वेक क्या है, सिंपल वर्डों में इसको बोले तो ये एक शेकिंग ऑफ अर्थ है। ये एक नेचुरल इवेंट है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी रिलीज होने के कारण वेव जनरेट होती है और जिससे हमें अर्थक्वेक होता है। और ये अर्थक्वेक क्यों होता है, फॉल्ट लाइन के कारण। जब रॉक्स में, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में फॉल्ट लाइन के कारण जब रॉक में दरारें आ जाती है, तो उनमें कुछ रॉक्स टूट जाती हैं और वे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाती है, ये इस साइड में तो ये इस साइड में। इनके मूवमेंट के कारण इनमें फ्रिक्शन होता है और इसी के कारण हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। यह लिथोस्फेयर में होता है, अर्थ के निचले हिस्से में, और ये जो अर्थ के नीचे होगा, जहां से अर्थक्वेक जनरेट होगा उसको फोकस बोलेंगे, और जहां सबसे पहले सरफेस पे सबसे पहले हमें अर्थक्वेक की वेव मिलेगी उसको इपिसेंटर बोलेंगे। इसका एक नाम और है हाइपोसेंटर, इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ये इसके 90 डिग्री एंगल में होगा, जहां से सेस्मिक वेव जनरेट होगी उसको फोकस बोलेंगे, और जहां पे सबसे पहले हमें महसूस होगी उसको इपिसेंटर बोलेंगे। अब बात करते हैं कि इसको कैसे मापते हैं और ये कहां पे जनरेट होती है। अर्थक्वेक की वेव कौन सी है, अर्थक्वेक वेव जो अर्थक्वेक होता है वो अर्थ सरफेस से 200 किलोमीटर नीचे तक होता है, और इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसी से अर्थक्वेक जनरेट होता है और आगे तक जाता है, और इसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए काम आता है। इसमें डायग्राम में दिखा रखा होगा, सबसे पहले ऐसे वेव आती है, फिर थोड़ी सी ऐसे, और फिर लास्ट में ऐसे फुल डिस्ट्रक्टिव वेव। ये होंगी पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव। तो सबसे पहले पी वेव आती है, जिसको प्राइमरी वेव बोलते हैं। ये दोनों एक ही चीज के पार्ट हैं, जिसको बॉडी वेव बोलते हैं और ये सरफेस वेव का पार्ट है। जनरली जो वेव होती है इनको टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है इसमें बॉडी वेव और दूसरा है सरफेस वेव।
सरफेस वेव में एक ही टाइप है और बॉडी वेव में ये इसके दो टाइप हैं, पी वेव और एस वेव। जब ये जनरेट होता है, जब एनर्जी रिलीज होती है एपिसेंटर से, और वहां पे एनर्जी रिलीज होने के कारण सबसे पहली वेव बनेगी वो होगी बॉडी वेव। ये विभिन्न स्थानों पे टकराते हुए आगे चलेंगी, लेकिन जब ये किसी रॉक से कोई अलग डेंसिटी के पदार्थ से टकराएंगी तो सरफेस वेव जनरेट हो जाएगी और ये वेव आगे चलती जाएंगी। अब बात करते हैं पी वेव और एस वेव की। पी वेव को क्या बोलते हैं और एस वेव को क्या बोलते हैं? पी वेव का जनरली नेम है, इसको साउंड वेव भी बोलते हैं, और ये सॉलिड, लिक्विड दोनों में फ्लो कर सकती है, पास कर सकती है। ये होगी साउंड वेव, पी वेव। और इसके बाद में है एस वेव। ये जनरली सॉलिड को ही पास कर सकती है, इसको लाइट वेव बोलते हैं। और ये साइंटिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे अर्थ के इंटीरियर पार्ट के में जानकारी मिलती है। इसके बाद में थर्ड पार्ट है इसका, सरफेस वेव। सरफेस वेव में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव, जो डिस्ट्रक्टिव होती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी वेव है, ये सरफेस वेव है। इसी के कारण ही हमारे सबसे ज्यादा विनाश होता है, और ये भी तीनों फॉर्म में ही पास कर सकती है, सॉलिड से, लिक्विड से, तीनों स्तर में ये पार कर जाएगी। और ये सबसे लास्ट में आती है, जैसे कि आपके डायग्राम में दिखा रखा है, पहले पी वेव आएगी, फिर एस वेव और फिर सरफेस वेव। और इसके बाद में बात करते हैं प्रोपेगेंडा ऑफ